नाबालिग बच्चों में और छोटे बच्चों में मोबाइल के गेम्स और मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल बहुत ही बेहद खतरनाक है। और ऐसा ही एक वाकया लाडनू थाना इलाके में हुआ है। एक 12 साल के बच्चे की हत्या हुई है और उसी में उसी के परिवार का 16 साल के एक बच्चे ने इसी मोबाइलों की लत से, यानी बड़े खतरनाक गेम जो पबजी गेम है उसके सब्स्टिट्यूट है, जिसमें फ्री फायर है, ताश पत्ती है, इस तरह के गेम के आदि हो गए। और इसी घटनाक्रम में उसी नशे में इन मोबाइल्स के में काफी पैसा उन्होंने अपने माथे कर लिया और उसका ये लास्ट अंजाम हुआ कि उन्होंने अपने ही परिवार के एक 12 साल के बच्चे की जान ले ली। और ना केवल जान ली, बड़ा खतरनाक एक हादसा हुआ, बड़ा साइबर संबंधी टेक्निक को यूज करते हुए उसकी हत्या की गई, जिसका खुलासा किया है। मेरा प्रत्येक उन माँ से, प्रत्येक उन पिताजी से यही कहना है कि अपने बच्चों को, हर माँ बच्चे के शुरुआती जीवन में ही उस बच्चे के रोने पे, उस बच्चे के दूध नहीं पीने पे, उस बच्चे के खाना नहीं खाने पे, उसको एक मोबाइल का गेम्स ऑन करके और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, वहीं से खेल शुरू होता है, वहीं एडिक्ट हो जाते हैं वो बच्चे उस मोबाइल में खतरनाक खेल खेलने के लिए। और आगे जाके ये इतने खतरनाक हो जाता है, ये इतना खतरनाक नशा है जो किसी भी अन्य पदार्थों से जो शरीर में जाकर के किसी प्रकार का रिएक्ट करते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है। नाबालिग बच्चों के हाथ में या अनावश्यक बच्चों के किसी भी प्रकार के मोबाइल्स गेम्स और उनसे दूर रखें। पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमने जो मोबाइल्स अपने बच्चे को दिए हैं, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार वो जरूर चेक करें कि कौन कौन सी एप्लीकेशन उस मोबाइल में डली हुई है, बच्चा इस मोबाइल के साथ किन किन साइटों में विजिट करता है, किन किन एप्लीकेशनों के साथ ये गेम खेल रहा है, वो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह आप एक पेड़ को, एक पौधे को और अपने बच्चे के जीवन में ध्यान रखते हैं कि इसका विकास कैसे हो, ये बड़ा कैसे, ये उगके फल कैसे देगा, उसी तरह से अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। और अनावश्यक मोबाइल का इस्तेमाल उनके और उनके परिवार में एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है प्रत्येक माँ को, प्रत्येक पिताजी को, कि अपने बच्चे के पास में जो मल्टीमीडिया फोन्स जो आपने दिए हैं उनमें काम आने वाली एप्लीकेशंस कौन कौन की है, कौन कौन सी डाउनलोड कर रखी है और वो क्या इस्तेमाल करता है, साइबर के एच से और परिवार की सुरक्षा के एच से जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।